Hi guys and welcome to my channel. My name is Ritu and after 4-5 months of quarantine and lockdown, आज finally मैं घर से बाहर जा रही हूँ एक छोटी सी ट्रिप पे. जी हाँ, इस लॉकडाउन में सब अपनी हॉबीज, अपने बिजनेस, उससे सब एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, लाइक अ पॉज इन आवर लाइफ. तो अब उस पॉज को दोबारा से रनिंग और प्ले मोड पे लाने के लिए धीरे धीरे लाइफ पटरी पे भी आ रही है और हमें भी अपनी पटरी पे आ रहा है और मैं भी अपने ट्रैवल व्लॉग्स पे वापस आ रही हूँ. तो इस बार मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ क्योंकि बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, सारे बॉर्डर्स सील हैं. और उत्तराखंड, हिमाचल, अगर आपको जाना भी है तो आपको मिनिमम 5 days का स्टे लेना होगा और साथ में कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी होगी. तो रिपोर्ट के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा और इन केस रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है. तो इसलिए इस पूरे तामझाम को और इस पूरी टेस्टिंग रिपोर्ट को नेग्लेक्ट करते हुए, अवॉइड करते हुए मैंने डिसाइड किया कि हम हमारी प्यारी टमटम पे एक छोटी सी रोड ट्रिप पे जाते हैं. तो इस रोड ट्रिप पे जाने से ये होगा कि थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, मम्मी भी घर पे बहुत बोर हो गई हैं, उनको भी थोड़ा चेंज मिलेगा. सो चेंज इज़ द नीड ऑफ द टाइम. तो इसीलिए अब मैं अपनी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे जा रही हूँ अपनी प्यारी गाड़ी पे. तो आई होप ये रोड ट्रिप अच्छी रहे. सब कुछ अच्छे से हो. और हाँ, पूरे प्रिकॉशंस के साथ हम जा रहे हैं विद अवर सैनिटाइजर्स एंड मास्क. सो प्रिकॉशन इज़ मस्ट. सो लेट्स सी कहाँ मैं जाती हूँ, हम क्या करते हैं. स्टे ट्यून्ड और आपको भी आइडिया मिल जाएगा. अगर आप भी घर पे बोर हो गए हो तो आप भी अपनी फैमिली को लेके कहीं बाहर जा सकते हो. हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट होती है हमारे घर से. आप मौसी हो? नहीं, मैं हूँ मौसी का असिस्टेंट. असिस्टेंट. क्लाउड्स बताओ तो, कितने प्यारे क्लाउड्स हैं. ये देखिए कितने प्यारे क्लाउड्स हैं. फ्लावर फ्लावर कितने प्यारे हैं. तो यशु, अभी हम कहाँ पे हैं बेटी? पेट्रोल पंप. पेट्रोल पंप पे क्या कराने आए हैं? पेट्रोल फुल करवाने. और यशु को यहीं छोड़ के चले जाएंगे? नहीं. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पॉल्यूशन कराना है. और लॉकडाउन गाड़ी का पॉल्यूशन आज हो रहा है. लॉकडाउन के बाद आज पहली बार गाड़ी का पॉल्यूशन हो रहा है. Continue straight onto National Highway 34. ईस्टर्न पेरिफेरल गाज़ियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे है जो कि सिर्फ 135 किलोमीटर लंबा है. 6-lane एक्सप्रेसवे है ये. और यहाँ पे आपको रास्ते में यमुना भी मिलेगी और बहुत प्यारा व्यू है इस पूरे एक्सप्रेसवे का. एंड आपका काफ़ी टाइम भी सेफ होता है यहाँ पे.
और ये है हमारी डेस्टिनेशन अमरीक सुखदेव ढाबा। ये ढाबा 1956 से है। मेनली ये ढाबा स्टार्टिंग में सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, क्योंकि पहले ढाबे पे ट्रक ड्राइवर्स ही जाते थे। मगर जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होता रहा और हम लोगों ने अपने कन्वेंस और अपने व्हीकल्स स्टार्ट कर दिए यूज़ करने के लिए, तो इस ढाबे को कन्वर्ट किया गया फैमिली रेस्टोरेंट में। और फैमिली रेस्टोरेंट में कन्वर्ट होने के बाद ये ढाबा दिल्ली के लिए और NCR के लिए एक शॉर्ट रोड ट्रिप स्पॉट बन गया। ढाबे की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है यहाँ का आलू प्याज पराठा विद मक्खन। मक्खन बहुत ही टेस्टी है यहाँ का। पोस्ट कोविड एंड पोस्ट लॉकडाउन अब यहाँ पे डिस्पोजल्स दिए जाते हैं फॉर द सर्विंग। पहले थालियाँ दी जाती थी, स्टील की स्पून्स होती थी, बकायदा टेबल पे आपके पास अचार और सैलेड पहले से सर्व किया जाता था। मगर अब बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल दिस पैंडेमिक अब यहाँ पर सर्विंग डिस्पोजल्स में की जाती है। डिस्पोजल्स में ही आपका सैलेड होता है, पैक्ड अचार आपको दिया जाएगा और आपके बैठने से पहले आपकी टेबल को और आपकी सीट्स को डिसइनफेक्ट भी किया जाता है। फीडबैक यही है, सब ट्रैवल व्लॉग वगैरह सब धरा का धरा रह जाएगा अगर एक बार कुछ हो गया तो। इसलिए घर में रहो, कहीं मत जाओ, बहुत भीड़ है बाहर। दो लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं बट आपको नहीं पता इतने हजारों लोगों में किसको क्या बीमारी हो और वो आपको भी हो जाए। सारे फोटो बिगाड़ते हैं देखना। सो स्टे सेफ, स्टे होम। इसमें 8 लोग मैंने की, फिर 8 से भी ज्यादा मरे, इसलिए हमें घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे हम तो एक बार ही होटल गए लेकिन अब कमी नहीं जाएंगे। वेरी गुड। यहाँ फोटो शूट होता हुआ ये यमुना नदी है जो सामने आप देख रहे हो। और कितना अच्छा मौसम है। एक की फोटो।